हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। लव कुश, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। लव ठीक तरह करो, भगवान को प्रणाम करो। देखो ऐसे करो, चलो। सत्यमित्र, हिमालय से जिस जड़ी को लाने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं
उसका पूरा विवरण मैंने इसमें लिख दिया है और उसका चित्र भी बना दिया है। इसे पढ़कर उसे पहचानने में तुम भूल नहीं करोगे। ये जड़ी तुम्हें बद्रिका वन में नर और नारायण नामक पर्वतों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे बहती हुई मिलेगी। जी गुरुदेव। उस घाटी में बहुत घना बद्री वन है जहां तुम्हें बहुत से वानर और लंगूर दिखाई देंगे जो बड़ी बड़ी पर्वत शिलाओं से बहते हुए शिलाजीत नामक रस का सेवन करते हैं। तुम उनसे थोड़ी मित्रता कर लेना, वो ये रस तुम्हें भी ला देंगे। ये रस जितना इकट्ठा हो सके ले आना। जी गुरुदेव। मुझे शीतकाल में लवकुश के लिए विशेष औषधि तैयार करनी है जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में विशेष उन्नति हो, इसलिए शीघ्र लौटने का प्रयास करना। जाओ, यात्रा का प्रबंध करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे थे कि वो इन दोनों के लिए हिमालय से कुछ जड़ी बूटियां मंगवाने वाले हैं, जिनके सेवन से शरीर रुष्ट हो जाता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है और मेधा शक्ति के बढ़ने से गुड़ विद्या आसानी से ग्रहण की जा सकती है। उनके शिष्य है, उनको इनकी चिंता तो होनी ही चाहिए। पुत्री, ये दोनों तो दिव्य बालक है, इनकी चिंता कैसी? गुरुदेव को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान है। लव, जा बेटा, भैया की सहायता करो, उनका गड्ढा सीधा कर दो। ये नटखट तो देखता ही रहेगा, कभी सहायता नहीं करेगा। अवश्य करेगा, वो मेरा कहना मानता है। देखा इतना सा काम करके कैसा नाच रहा है नटखट। वनदेवी, वनदेवी, क्या है? हम लवकुश को खेलने के लिए बाहर ले जाए। खेलने के लिए बाहर ले जाए? हाँ, बाहर ले जाए। हाँ, ले जाओ। जब तक मैं भात पका लूं, तब तक उनको बाहर ही खिलाना। अच्छा, चलो लवकुश। माँ, आज आपके लिए क्या पकाऊं? आपकी दांत में पीड़ा थी ना? मेरे से कुछ नहीं खाया जाएगा, केवल दूध पी लूंगी। केवल दूध से कैसे चलेगा? मैं आपके लिए पत्ती से खिचड़ी बना देती हूँ। पुत्री, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। माँ का ध्यान पुत्री नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा? भाई सत्यमित्र, आप बड़े भाग्यवान हैं। गुरुदेव आपको हिमालय के उस स्थान पर भेज रहे हैं जो स्वयं एक महान तीर्थ है। मुझे एक बात का विस्मय है। क्या? मैं कितने वर्षों से अथर्ववेद का पाठ कर रहा हूं, मैंने अभी तक इस जड़ी का वर्णन वहां नहीं पढ़ा, परंतु गुरुदेव को ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान कहां से हो जाता है? उन्होंने ऐसा विवरण लिखा है जैसे उन्होंने वो जड़ी स्वयं देखी हो। अवश्य देखी होंगी, हमारी भांति उन्हें पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उनके पास तो दिव्य दृष्टि है। जिस ओर देखेंगे उसी ओर सारी प्रकृति
अपने सारे भेद उनके सामने खोल देती होगी। जड़ी बूटियों के लिए उन्हें पढ़ना नहीं पड़ता। जड़ी बूटियां तो स्वयं उनसे कहती होंगी कि भगवान हमारा ये गुण है। आप सत्य कहते हैं, ऐसा ही लगता है, परंतु उनके सहजपन को देखकर उनकी महानता का अनुमान नहीं हो सकता। अभी वो देखिए ना, छोटे छोटे बालकों को लेकर कभी पुल पर चढ़ रहे हैं, कभी पुल से उतर रहे हैं। यह तो उनकी लीला है, वो तो स्वयं भगवान का अवतार है। आप सत्य कहते हैं। बनाया धनुष बाण, आजा आजा जल्दी आजा आजा। अब देखो धनुष बाण कैसे चलाते हैं। देखो मैं तुमको दिखाती। ये कुश, धनुष सीधा पकड़ो, पहले बाण को निशाने की सीध पर रखो और डोरी अपने कान तक खींच कर रखो। ऐसे? हाँ, फिर अपनी दृष्टि निशाने पर स्थिर करो। जहां बाण लगेगा उस स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। लव, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव, उस बाण से लटका हुआ आम। तुम अपने बाण से किसका निशाना कर रहे हो, बांस का या आम का? आम का। गुरुदेव, मैं उस धागे का निशाना करूंगा जिसके साथ आम लटका हुआ है। उसे काटने से आम नीचे गिरेगा। अति सुंदर, तुम सचमुच धनुर्धारी हो। अगर धागा काटना है तो तुम्हें ना बांस दिखना चाहिए ना आम दिखाई देना चाहिए, तुम्हें केवल धागा ही दिखाई देना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। अब अपने अपने आम के धागों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो और जब तुम्हें कुछ ना दिखाई दे, केवल धागा ही दिखाई दे, तभी अपने अपने बाण छोड़ना। अति सुंदर, अति सुंदर। अब इसका निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभ्यास करने से गति आएगी। यदि निशाना साधने में हर बार इतना ही समय लगेगा तो युद्ध में कैसे काम चलेगा? इसके लिए निरंतर और कठिन अभ्यास की आवश्यकता है, तभी एक के पीछे एक बाण छोड़ने की गति तीव्र होगी। गुरुदेव, कितनी तीव्र गति होनी चाहिए गुरुदेव? तुम्हारी अवस्था में यदि वायु जितनी तीव्र गति हो जाए तो
तो अच्छा है। वायु जितनी? हाँ। वायु से भी अधिक तीव्र गति किसी की होती है? होती है, ध्वनि की, प्रकाश की, मन की। मन से भी अधिक तीव्र गति किसकी होती है? वो सब समय आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा, परंतु अभी वायु जितनी तीव्र गति तो प्राप्त कर लो। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति? हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है, फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति? उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ, गुरुदेव ने बताया होगा, वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा? हाँ माताजी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ, तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब उन्हीं का वास है तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं? हाँ। तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुश भैया, मैं भगवान हूँ। परंतु कुश भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुश भैया भी भगवान का रूप है। माताजी, फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अभी सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियाँ लाती हूँ, इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। आज मैं भी वन में लकड़ियाँ लेने जाऊँगा। मैं भी जाऊँगा। अच्छा चलो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रहे हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माताजी? देखो इनको कितना घाव लगा दिया। अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है, अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो
वृक्ष भैया हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हम सब धरती माता की संतान हैं, इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ, वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ, फिर ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है, वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता जी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझा।